फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका गीतांश आईटी क्लास में। मैं हूँ सुनील कुमार और हम आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं एक नई ट्यूटोरियल सीरीज जो ओ लेवल कोर्स का मॉड्यूल 1 है, जिसका नाम आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स है। और ये जो सिलेबस है, ये 2020 में जो नई सिलेबस आई है ओ लेवल कोर्स की, हम उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस को तैयार कर रहे हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर होगा वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार हो रहा है, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट जनवरी में इनरोल करेंगे ओ लेवल कोर्स के लिए, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिट है। और जो पहले से पढ़ चुके हैं, जो पहले से इनरोल हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही माइनर चेंजेस हुआ है, कुछ सिलेबस में चेंजेस हुआ है और हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ कि इस जो कोर्स है ओ लेवल कोर्स, इस कोर्स में 4 मॉड्यूल होते हैं, जिसमें पहला मॉड्यूल जो है वो है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, सेकंड मॉड्यूल जो है वो वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, थर्ड मॉड्यूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें पाइथन लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्रामिंग सॉल्व करना होता है, इसमें हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ेंगे। एंड फोर्थ जो मॉड्यूल है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये कुछ मॉड्यूल हैं जो कि ओ लेवल कोर्स के लिए हैं। और हम जो आज का जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ये जो पूरा सीरीज चलेगा ये हिंदी ट्यूटोरियल है, आपको पढ़ने में बहुत ही ईजी होगा और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ये वीडियो लेक्चर आ रहा है आप लोग के सामने। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जो भी ओ लेवल कोर्स को कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसमें हम बहुत ही डिटेल लेकर चलेंगे, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर जो आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस सब्जेक्ट से है, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये लिस्ट आपके सामने है, जिसमें हमने सबसे पहले कवर करेंगे कंप्यूटर की बेसिक्स बातें, कंप्यूटर क्या है, उसकी बेसिक फंडामेंटल क्या है एंड ये कितने टाइप्स के हैं। टाइप्स जानने के बाद हम इसके जनरेशन को भी समझेंगे, यानी हिस्ट्री समझेंगे कंप्यूटर के, एंड कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी को भी समझेंगे और कैसे ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाएगा कंप्यूटर सिस्टम को, वो भी हम इसमें सीखेंगे। एग्ज़ाम में अक्सर ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पूछ ही देता है आईटी टूल्स सब्जेक्ट में। फिर हम नेक्स्ट हम आगे टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये क्या होता है, इसमें किस डिफरेंस क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, बहुत ही डिटेल में हम इन सब को पढ़ेंगे। और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन भी हम पढ़ेंगे एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी यूज टू टेक डेटा, प्रोसेस डेटा एंड गिव इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट करता है, दैट मीन्स कि वो अपने अंदर एक्सेप्ट करता है, जो भी प्रॉब्लम यूज़र की होती है वो अपना प्रॉब्लम को कंप्यूटर को देता है एंड कंप्यूटर क्या करता है, तो उस डेटा पे ऑपरेशन करता है, यानी कि लिए गए डेटा पे ऑपरेट करता है, उसका रिजल्ट तैयार करता है और रिजल्ट तैयार होने के बाद यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, दैट मीन्स गिव इन्फॉर्मेशन, वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, वो हमें जो रिजल्ट तैयार है वो रिजल्ट को हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये थी कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन। और मैं बता दूं कि केवल डेस्कटॉप लैपटॉप को ही कंप्यूटर नहीं कहा जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंप्यूटर हमारे रियल लाइफ में अवेलेबल हैं। अब मैं बात करता हूं कंप्यूटर वर्ड के ऊपर, कंप्यूटर वर्ड कहां से आया, इसका मतलब क्या है। तो कंप्यूटर वर्ड जो है ये कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेटिंग करना। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट।
कंप्यूट वर्ड का मतलब होता है केवल और केवल गणना करना, कैलकुलेशन करना। बट कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर वर्ड जो है ये कंप्यूट वर्ड से आया है, दैट मीन्स कि कंप्यूटर भी कैलकुलेशन वाला काम करेगा, बट कैलकुलेशन के साथ ये और भी बहुत सारे हमारे ऑफिशियल वर्क को भी करता है। तो कंप्यूटर वर्ड जो है ये कंप्यूट वर्ड से रिट्रीव हुआ है, और कंप्यूट वर्ड जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज का ये एक वर्ड है कंप्यूट वर्ड, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन करना। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द कंप्यूटर। आइए अब हम कुछ कंप्यूटर का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, एटीएम मशीन जो आप देखते हैं जिससे पैसा निकालते हैं वो भी एक कंप्यूटर है, कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है क्योंकि उसमें भी हम कुछ इनपुट करते हैं और कैलकुलेटर कुछ ऑपरेशन करके हमें रिजल्ट देता है। तो कंप्यूटर एक कंसेप्ट है, जिस भी डिवाइस पे ये चार कंडीशन अप्लाई होता है वो सभी डिवाइस कंप्यूटर है। चार कंडीशन क्या क्या, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन कि वो कुछ डेटा इनपुट करता हो, थर्ड कंडीशन कि वो डेटा लिए गए डेटा पे वो ऑपरेशन करता हो, उसका रिजल्ट तैयार करता हो, एंड फोर्थ कंडीशन ये है कि वो हमें कुछ आउटपुट दे, कुछ रिजल्ट दे। तो जो भी डिवाइस ये चार कंडीशन को फुलफिल करता है उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि डेटा किसे कहते हैं। डेटा तो कंप्यूटर इनपुट कर रहा है, लेकिन डेटा कहते किसे हैं? तो डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड एनी सिंबल आर कॉल्ड डेटा। यानी कि जो कुछ भी लिख सकते हैं, जो कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, वो सब कुछ डेटा है। कोई अगर हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे डेटा होता है। इवन जो आप वीडियो फाइल, इमेज फाइल भी रखते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके, तो वो भी एक डेटा है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ डेटा। जो कुछ भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में रख सकते हो, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल इज़ डेटा। कंप्यूटर सिस्टम का ये जो रॉ मटेरियल है, जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, ए टू जेड हो गया, ये सब कुछ डेटा कहलाएगा। डिजिट्स में आ जाएंगे 0 to 9, ये भी एक डेटा है। एंड एनी सिंबल में आपके आ जाएंगे जैसे एट द रेट, हैज, परसेंटेज, एंड सिंबल, क्वेश्चन मार्क, स्लैश, प्लस, माइनस, इज इक्वल टू, इसमें जितने भी सिंबल आप जानते हैं वो सब कुछ सिंबल्स में आ जाएंगे, वो सब कुछ डेटा है। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जिस भी वर्ड के कलेक्शन से हमें कुछ मीनिंग निकल रहा है, कुछ अर्थ निकल रहा है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पेन लिखा हुआ है, तो पेन मीन्स की केवल एक कलम, पेन। लेकिन यही बात अगर कहा जाए, दिस पेन इज़ रेड, यानी कि पेन लाल है, यानी कि ये पेन की एक गुण बता रहा है, एक विशेषता बता रहा है, और उसका एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि मीनिंगफुल वर्ड का कलेक्शन होना चाहिए, जिससे कोई एक रिजल्ट निकले, कोई सूचना हमें मिले, तो उसे हम इन्फॉर्मेशन कहेंगे। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम किसे कहते हैं? प्रोग्राम का यहाँ आप डेफिनेशन देखेंगे, द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। यहाँ पे प्रोग्राम का मतलब ये बता रहा है कि इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन जो कंप्यूटर को क्या काम करना है वो बताता है, आइदर सिक्वेंशियल और नॉन सिक्वेंशियल मैनर। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन लिखा हो वो सीक्वेंस ऑर्डर में लिखा हो, लगातार सीरीज में लिखा हो, या फिर लगातार ना लिखा हो, सीक्वेंस फॉर्म में ना हो। इसे हम दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे वर्ड में ऐसे भी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ मैनी इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम। यानी कि बहुत सारे आदेशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि एडिशन करने का प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन करने का प्रोग्राम, कैलकुलेटर में आप देखेंगे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में हम बहुत सारे काम करते हैं, प्लस का, माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, परसेंटेज का, डिवीजन का, बहुत सारे हम काम कर रहे होते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम के कलेक्शन को, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को ही हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो प्रोग्राम किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्हाट्सअप एप्लीकेशन है, एक व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर है, तो उसमें इतना इंस्ट्रक्शन है कि केवल उसमें व्हाट्सअप हो, कोई कॉलिंग आ सके, कॉलिंग जा सके, मैसेजिंग हो सके। बट अगर हम ये चाहें कि व्हाट्सअप में हम फेसबुक की आईडी ओपन कर ले, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके इंस्ट्रक्शन से बाहर की चीज़ें हैं। अगर हम कैलकुलेटर में कोई म्यूज़िक प्ले करना चाहे, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेटर में यही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वो केवल और केवल कैलकुलेशन कर सके और वो एक्स्ट्रा काम को नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे आदेशों के समूह को, इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। अब हम कंप्यूटर के टाइप्स को देख लेते हैं। कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली कंप्यूटर दो टाइप्स में डिवाइड हुआ है, एक एनालॉग कंप्यूटर एंड सेकंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो एनालॉग कंप्यूटर हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से ऑपरेट होता है, जैसे कि प्रेशर मापना, टेम्परेचर मापना, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, फ्रीक्वेंसी मापना, वोल्टेज मापना, ये सब जो काम कंप्यूटर से हम करते हैं उस कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये कोई फिक्स पॉइंट पे, कोई फिक्स नंबर पे नहीं होते, ये हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, तो आपने एक सुई वाली वॉच देखी होगी जिसमें वो हमेशा चलते रहता है। अगर यही मैं डिजिटली वॉच की बात करूँ, जो अंक वाला घड़ी होता है उसमें अंक आता है, तो वो एक डिजिटल वॉच हो गया। एंड एनालॉग वॉच में जो काटा होता है वो चलते रहता है, तो वो हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए उसे एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे। डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिट पे वर्क करे, और डिजिट क्या होगा? तो जीरो एंड वन। कोई भी डेटा, किसी भी इंफॉर्मेशन को वो जीरो एंड वन के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो केवल और केवल जीरो और वन को ही समझता है। वो हर एक डेटा और इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है एंड डिजिटल फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है। जिसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कैलकुलेटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब क्या है? तो डिजिटल कंप्यूटर है। अगर यही एनालॉग कंप्यूटर की बात करें, तो जो टेम्परेचर मापने वाला जो मशीन होता है वो उसमें काटा लगा हुआ होता है और वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। प्रेशर मापने वाला कंप्यूटर आपने देखा होगा, या फिर बीपी मापने वाला एक मशीन आता है डॉक्टर के पास, तो वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो ये डिफरेंस है एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। अब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री जानते हैं, कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप हुआ है, इसके जनरेशन को समझते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो कुछ ना कुछ हमेशा चेंजेस होते रहा है उसमें। जैसे जैसे हमारी कंप्यूटर की जनरेशन बढ़ती गई, वो कुछ ना कुछ कंप्यूटर में चेंजेस होते रहे हैं। जो पहले की कंप्यूटर थी, ये बहुत बड़ी कंप्यूटर थी, एक एक रूम के, एक एक कमरे के बराबर कंप्यूटर हुआ करता था। और उसमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, उसमें कुछ ना कुछ मेजर पार्ट चेंज होते गए, जिसके कारण कंप्यूटर जो है अब बहुत ही छोटे रूप में आ रहा है। आजकल का जो कंप्यूटर है उसे हम अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इसे पोर्टेबल भी कर सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ हम इसे मूव भी कर सकते हैं। बट फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर जो थी वो एक फिक्स जगह पे ही असेंबल किया जाता था, जहाँ वो बन जाता था वो वहीं पे फिक्स रहता था, क्योंकि उसकी जो एरिया थी वो बहुत बड़ी एरिया में कंप्यूटर स्टेबल होता था, उसकी इंस्टॉलेशन जो थी वो बहुत बड़े रूम के बराबर हुआ करता था। तो जैसे जैसे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहा कंप्यूटर में, तो ये अभी तक पांच चरणों में, फाइव फेज में ये चेंजेज हुए हैं, और हर फेज को जनरेशन का नाम दिया गया है। दैट मीन्स कि कंप्यूटर जनरेशन फाइव जनरेशन तक अभी तक अवेलेबल है। और फर्स्ट जनरेशन की मैं बात करूँ, तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956 तक चला। फिर सेकंड जनरेशन 1956 से लेकर 1963 तक चला। फिर ऐसे ही आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं, सभी जनरेशन की यहाँ पे लिस्ट है। अभी का जो करंट जनरेशन जो है वो फिफ्थ जनरेशन है, जो 2010 से प्रेजेंट, यानी कि अभी तक वो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। अभी इस पे कुछ ना कुछ रिसर्च होते रहा है, अभी इसमें और भी कुछ ना कुछ रिसर्च हो रहा है। जैसे कि आपने अभी हाल फिलहाल में ही एक दो डिवाइस ऐसे आए हैं जो हमारे वॉइस से ऑपरेट हो रहे हैं,
जैसे गूगल ने कुछ ऐसे डिवाइस बनाया है गूगल असिस्टेंट, जो हमारे आवाज़ से हमारे बातों को सुनकर वो खुद ब खुद ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी आई है ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में है, फिफ्थ जनरेशन में ये सब इम्प्लीमेंट हो रहा है और अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी भी इस पर काम चल रहा है। हम बारी बारी से सभी जनरेशन में देखते हैं कि हर जनरेशन में क्या यूज़ होता था, कैसे क्या होता था, कैसे उसको ऑपरेट किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन में जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था, जो कंप्यूटर बड़े कमरे के बराबर हुआ करता था उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए या फिर सीपीयू को मैनेज करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, जो कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये एक वैक्यूम ट्यूब है। और इस तरह के हज़ारों 10,000 की संख्या में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ करता था और इसके बहुत सारे साइज हुआ करते थे, इससे भी बड़े बड़े साइज़ के वैक्यूम ट्यूब होते हैं और इससे थोड़े छोटे भी हुआ करते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब जितना ज़्यादा लगेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी एक्सेप्ट करेगा और वो जितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उतनी ज़्यादा रूम हीट होता था। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था कंप्यूटर को ऑपरेट करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता था, जिसके कारण कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा ख़राब रहा करता था, कुछ ना कुछ डैमेज होते रहता था। अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट की। तो इनपुट आउटपुट में पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था, पंचिंग करके एक होल करने वाली मशीन आती थी जो कुछ इस तरीके से थी कि कार्ड यहाँ पे डाल के आप पंचिंग करोगे और पंचिंग करके आप कंप्यूटर को इनपुट करोगे और कंप्यूटर आउटपुट में प्रिंट आउट करके वो पंचिंग कार्ड पे ही प्रिंट आउट करके हमें आउटपुट देता था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस टाइम एक ही लैंग्वेज चलता था जो था मशीन लैंग्वेज, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता था, उसी में कोडिंग किया जाता था, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज के नाम से भी हम जानते हैं। तो बस एक ही लैंग्वेज उस टाइम चलता था जिससे हम कोडिंग करते थे और कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, वो उनके नाम यहाँ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड सेकंड जो कंप्यूटर था वो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसे शॉर्ट में UNIVAC एंड ENIAC भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल हैं। एंड उस टाइम जो मेजर पार्ट था CPU कंट्रोल करने के, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के एंड मेमोरी को यूज़ करने के लिए वैक्यूम ट्यूब ही यूज़ किया जाता था और इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड यूज किया जाता था। अब हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के जगह ट्रांजिस्टर ने जगह ले लिया था और ट्रांजिस्टर साइज में बहुत ही छोटा था कंपैरिजन देन वैक्यूम ट्यूब। आप यहाँ पे उस ट्रांजिस्टर का इमेज भी देख सकते हैं जो वैक्यूम ट्यूब से बहुत ही छोटा था, सैकड़ों हजारों वैक्यूम ट्यूब के इक्विवेलेंट एक रजिस्टर हुआ करता है और ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है एंड फास्ट होने के साथ साथ बहुत ही चीपर भी था, बहुत ही सस्ता था, सस्ता में पड़ जाता था और वैक्यूम ट्यूब बहुत कॉस्टली पड़ता था और साइज़ में भी बहुत बड़ा था। और ये बहुत ही, अब क्योंकि ये साइज़ में छोटा हो गया तो ये पावर कम कंज्यूम करने लगा और कंप्यूटर की जो रिलायबिलिटी थी वो हाई हो गई, क्योंकि डैमेज अब कम होने लगा, कंप्यूटर कम डैमेज हो रहा था, अच्छे से ऑपरेट होने लगा और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर यूज़ होने लगा एंड सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क के लिए यहाँ मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क यूज़ होने लगा। थोड़ी सी जो मेमोरी की कैपेसिटी थी ये बढ़ चुकी थी सेकेंड जनरेशन में और हम बहुत ही ईजी तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते थे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज इम्प्रूव हुआ और उस टाइम फोर्ट्रॉन एंड कोबोल लैंग्वेज यूज़ किया जाता था हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज थोड़ा लिखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था, हाई लेवल लैंग्वेज करने से हमें जो प्रोग्रामर होते हैं वो बहुत ईजी तरीके से प्रोग्राम को लिख सकते हैं एंड यहाँ पे ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में इजीली ट्रांसलेट किया जाता था। बट जब मशीन लैंग्वेज होता है जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं तो उसको लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था, क्योंकि वो 0-1 के फॉर्म में होता है। इसलिए सेकंड जनरेशन के एग्जांपल में दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IBM 7T94, CDC 1604, हॉनीवेल 100 मार्क 3, ये कंप्यूटर के नाम है जो कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे।
अब थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी आ गया। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन बहुत छोटा हो गया एंड उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इसकी हाई कैपेसिटी हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, ये एक आईसी है जो कि सैकड़ों हजारों ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट है। और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि जो इसकी स्पीड और एफिशिएंसी ये दोनों बहुत ही हाई हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे साइज छोटी हो गई, पावर कंजम्पशन कम हो गया और इसकी जो यूज़ करने की इसकी जो स्पीड है ये यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, जिसके कारण कंप्यूटर और छोटा हो गया, बहुत छोटा हो चुका है इस थर्ड जनरेशन में। आईसी जो बना हुआ है वो सिलिकॉन का बना हुआ है, इसे सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आने लगे हैं, और इस टाइम फोटॉन कोबोल के साथ साथ पास्कल एंड बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ होने लगे। अगर थर्ड जनरेशन की एग्जांपल दूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं IBM सिस्टम 360 एंड 370, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। PDP 8x11 एंड CDC 6600। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, जो 1972 से लेकर 2010 तक चला है। फोर्थ जनरेशन की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। इस टाइम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आ चुका था, जो कि माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक CPU है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप भी बोला जाता है। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर की साइज इतनी छोटी हो चुकी थी जिसे हम अपने घर में पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस किया गया। इसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए, जो कि सिंगल यूज़र के लिए MS-DOS यूज़ होने लगा एंड MS-Windows आने लगे, और इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होने लगे। एंड इस टाइम GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी यूज़ होने लगे, एंड फोर्थ जनरेशन में ही टच स्क्रीन इस टाइप के मोबाइल फ़ोन भी मार्केट में अवेलेबल होने लगे फोर्थ जनरेशन से। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इस टाइम जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज होता था सी एंड सी प्लस प्लस एंड डेटाबेस के लिए DBMS लैंग्वेज यूज होता था। अब हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें जो कि अभी करंट में चल रहा है, तो इस टाइम जो टेक्नोलॉजी है ये जो स्पीड इसकी है ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड हाई हो चुकी है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो सेकंड में वर्क करने वाला कंप्यूटर था जिसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते थे, लेकिन फिफ्थ जनरेशन में जो है ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ चुका है टेक्नोलॉजी, जिसे हम नैनो कंप्यूटर कहते हैं। दैट मीन्स कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है ये नैनो सेकंड में वर्क करता है, और ये पैरेलली प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसके कारण हमारी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो चुकी है, और ये हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेटा को रिट्रीव करके उस टाइप से ये खुद ब खुद ऑपरेट होने लगे हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस टाइम हाई लेवल लैंग्वेज के लिए जावा, पाइथन, सी शार्प इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। अगर एग्जांपल दूं तो IBM नोटबुक, Pentium PCs एंड परम 1000 जो है ये एक सुपर कंप्यूटर जो हमारे इंडिया में है, तो इस तरह के जो कंप्यूटर है ये सब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब हम बेसिक फंक्शन जानते हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर बेसिक फंक्शन क्या है, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एट दिस नंबर 2 and 4, यानी कि 2 और 4 को एडिशन करना है। तो अगर हमें किसी कैलकुलेशन करना है, कोई भी कैलकुलेशन करना है, जैसे 2 और 4 को ही लेते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कीबोर्ड उठाएंगे और कीबोर्ड में हम 2+4 टाइप कर देंगे।
अब 2+4 जैसे हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो कीबोर्ड से वायर के थ्रू ये डेटा 2 और 4 निकलेगा और कहाँ जाएगा, तो CPU के पास पहुँचेगा। ये CPU में इनपुट हो जाएगा और इनपुट होने के बाद CPU अब इस डेटा को क्या करेगा, तो 2+4 का रिजल्ट क्या होगा ये खुद डिसाइड करेगा, यानी कि CPU इसका रिजल्ट तैयार करेगा। अब जब CPU के पास रिजल्ट तैयार हो जाएगा तो ये क्या करेगा, CPU ये मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा और मॉनिटर पे क्या आ जाएगा, 2+4=6। अगर आप प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं पेपर के ऊपर, यहाँ पेपर पे क्या आ जाएगा, 2+4=6। यानी कि ये पूरी कहानी समझने से हमें ये पता चल रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हमारे 3 मेन कंपोनेंट पे वर्क कर रहा है। पहला इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि हमें कुछ प्रॉब्लम कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए इनपुट डिवाइस चाहिए जैसे कि कीबोर्ड माउस इस टाइप के, और उसका रिजल्ट तैयार करने के लिए CPU चाहिए, प्रोसेसिंग डिवाइस चाहिए, और जब रिजल्ट तैयार हो गया तो हमें फिर वापस रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ आउटपुट डिवाइस चाहिए जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। तो ये पूरी कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी है, इसी तरह से ये वर्क करता है। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं और एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर ओ लेवल एग्ज़ाम में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि ब्लॉक डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करें कंप्यूटर सिस्टम को एंड इसको एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लेन में आप यहाँ बता सकते हैं कि एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर यानी कि CPU के अंदर फिल करते हैं, एंड CPU क्या करता है, तो उसका रिजल्ट तैयार करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि CPU में कुछ पार्ट है, मेन 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, सेकंड होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड थर्ड जो होता है वो होता है मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोलिंग का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंट्रोल करता है, डेटा फ्लो को भी कंट्रोल करता है, बफरिंग को भी कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट सभी टाइप के डेटा को सब कुछ कंट्रोलिंग करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, तो ये अर्थमेटिक या लॉजिकल जो भी प्रॉब्लम आ रहा है कैलकुलेशन वाला, वो सभी कैलकुलेशन को ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वाला जो पार्ट है ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एंड सॉल्व करने के बाद डेटा कहीं ना कहीं मेमोरी में तो स्टोर होगा, तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए एक मेमोरी यूनिट होती है, ठीक है। तो डेटा को ये इस तरीके से कंट्रोल करता है, ऑपरेट होता है, और जब रिजल्ट तैयार हो चुका है, मेमोरी में सेव हो चुका है, तो वहाँ से मेमोरी से हमारे डिस्प्ले पे आउटपुट आ जाएगा, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर सिस्टम का, अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन इस टाइप का तो इसे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है। तो इनपुट डिवाइस वैसा डिवाइस है जिसके मदद से हम डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इनपुट यानी कि अंदर रखना। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि कीबोर्ड हो गया, यानी कि हम कुछ भी कीबोर्ड से लिखते हैं वो कंप्यूटर के अंदर लिखा जाता है। माउस की बात करें तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, बिकॉज़ कि हम माउस से कोई भी काम करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, कोई इमेज ड्रॉ करते हैं, तो वो सब कुछ कंप्यूटर के अंदर ही वर्क होता है। कोई इंस्ट्रक्शन भी देना होता है अपने माउस के थ्रू तो वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही वर्क करता है। माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हमारा वॉइस कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, रिकॉर्ड होता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें तो प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स कि जो प्रोसेस करता हो, जो रिजल्ट तैयार करता हो, उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोसेसिंग डिवाइस लगा हुआ है उसे हम CPU कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसका वर्क क्या है, तो ये इनपुट करेगा, डेटा को इनपुट करना और उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, उसका रिजल्ट तैयार करना, एंड रिजल्ट तैयार होने के बाद ये आउटपुट डिवाइस को ये आउटपुट कर देगा, डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। CPU जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज कि इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन हमारे बॉडी में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, उतना ही इम्पोर्टेंस कंप्यूटर सिस्टम में CPU रखता है।
यहाँ आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स जो दिख रहा है, इसे हम सीपीयू बॉक्स कहते हैं। ये एक छोटा सा सीपीयू है जिसे ये मैनेज करता है, पूरा कंट्रोलिंग करता है। इसको कंट्रोलिंग करने के लिए इतने बड़े सीपीयू बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। ये जो इमेज आप दूसरी साइड देख रहे हैं, इसे माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, जो कि ये एक सीपीयू है, ठीक है। तो ये फोर्थ जनरेशन का सीपीयू है और मेजर पार्ट जो है एक सीपीयू के अंदर जो सेक्शन बने हुए होते हैं वो 3 सेक्शन बने हुए होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि हमने पिछले स्लाइड में ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में भी समझा था कि इसमें 3 पार्ट है और तीनों की अलग अलग फंक्शनैलिटी है, तीनों की अलग अलग वर्किंग है। और शॉर्ट फॉर्म आपको याद होना चाहिए, जैसे ALU को हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है एग्जाम के। अब आउटपुट डिवाइस देखते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या है। तो आउटपुट डिवाइस वैसा डिवाइस है जिसके मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर से डेटा या इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे तो मॉनिटर क्या करता है, तो कंप्यूटर सिस्टम से सभी डेटा या इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, तो ये मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर की बात करें तो ये हमारे डेटा या इन्फॉर्मेशन को प्रोजेक्ट करता है, कहीं कंप्यूटर सिस्टम से बाहर निकालने का काम करता है, तो ये प्रोजेक्टर हो चुका है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, और ये क्या करता है, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी टेक्स्ट, कोई इमेज है, तो उन सबको ये प्रिंट आउट करके बाहर निकालता है। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर से जो अभी हम सॉन्ग चलाते हैं, जो भी सॉन्ग हम वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो उसकी भी जो भी सॉन्ग है, तो वो सभी सॉन्ग को स्पीकर के थ्रू बाहर आवाज़ निकालते हैं। यानी कि यहाँ जितने भी कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, जितने भी डिवाइसेस दिख रहे हैं, ये सब क्या है, तो एक आउटपुट डिवाइस है जिसे डेटा या इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाला जा रहा है। अब हम बात करते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मेमोरी होता क्या है। तो मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जहां हम अपने डेटा को, कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, कोई प्रोग्राम है, इस टाइप के किसी भी डेटा को हम जहां स्टोर करके रखते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। और कंप्यूटर को मेमोरी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई हम मैथमेटिकल काम कर रहे हैं तो उसको भी डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा, उसको कैलकुलेशन करने के लिए जो हम इनपुट करेंगे उस डेटा को कहीं तो स्टोर करता होगा, तभी तो बाद में जाके वो कुछ ऑपरेशन करता होगा। तो इस टाइप के मैथमेटिकल काम, लॉजिकल काम, या कोई भी हमारा कोई इमेज हुआ, कोई वीडियो ऑडियो फाइल है, तो उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी की होना बहुत ज़रूरी है, और जिस जगह पे ये स्टोर होता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। अब हम मेमोरी के टाइप्स को देखते हैं, मेमोरी कितने टाइप्स के हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी को यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट रैम एंड सेकंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में तो बहुत सारे मेमोरी आ जाते हैं, जिसमें से हमने कुछ एग्जांपल दे रखा है, हार्ड डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, CD हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप मेमोरी कार्ड को भी कह सकते हैं, कोई CD कैसेट है, कोई ऑडियो टेप है, तो वो भी एक सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। जहाँ भी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है वो सभी स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी कहलाएंगे। अब हम बारी बारी से इन सभी मेमोरी के पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी को समझते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी CPU का पार्ट है जिसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं, एंड सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, जो CPU से बाहर की बातें होती है। जैसे कि यहाँ पे एक रजिस्टर मेमोरी होता है जो CPU में इनबिल्ड होता है, वो बहुत ही स्मॉल यूनिट है, 1 बिट को स्टोर करता है, उसे हम रजिस्टर कहते हैं। तो ये जो मेमोरी की जो प्राइमरी मेमोरी है वो CPU को ही पार्ट कहा जाता है, बिकॉज कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, CPU जो यूज़ कर रहा है जिस मेमोरी को, उस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। प्राइमरी मेमोरी इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट
इसे रजिस्टर कहते हैं, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि जो रजिस्टर होता है उसी के कम्बिनेशन से प्राइमरी मेमोरी बना हुआ होता है। और ये क्या होल्ड करता है, तो वोल्टेज को होल्ड करता है। जैसे करंट सप्लाई हो रहा है तब तक उसमें डेटा होल्ड होके रहेगा, अगर जैसे ही करंट सप्लाई बंद हो चुका है तो जो भी मेमोरी में डेटा होगा वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलाटाइल मीन्स मिटनशील मेमोरी, ये बहुत ही जल्दी मिट जाता है। जैसे लाइट सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बंद होगा, इसका डेटा भी इरेज हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे शॉर्ट में रैम कहते हैं, एंड रीड ओनली मेमोरी जिसे हम शॉर्ट में रोम कहते हैं। अब रैम समझते हैं, तो यहाँ पे आप एक इमेज दे सकते हैं, ये एक कंप्यूटर का रैम है। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसे ये जो मेमोरी है ये रीड एंड राइट मेमोरी है, दैट मीन्स कि इसमें हम कोई डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और इसमें से कोई डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। और ये मिटनशील मेमोरी होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो रैम है ये रजिस्टर से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें बहुत सारे रजिस्टर होते हैं जो वोल्टेज को होल्ड करके रखता है। तो जैसे ही वोल्टेज सप्लाई बंद होगा इसका जो डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और चूँकि ये एक मेन मेमोरी है, क्योंकि इसे CPU यूज़ कर रहा होता है, इसलिए इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट स्टैटिक रैम एंड सेकंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम को हम शॉर्ट में SRAM भी कहते हैं और डायनेमिक रैम को शॉर्ट में DRAM भी कहते हैं। स्टैटिक रैम को एक दूसरा नाम है जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं, और ये जो डायनेमिक रैम है इसके कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है एंड थोड़ा कॉस्टली होता है। SRAM कॉस्टली एंड फास्टर देन DRAM, जैसे कि मैंने अभी बताया SRAM मीन्स स्टैटिक रैम और DRAM मीन्स डायनेमिक रैम। जिसे हम लोग नॉर्मल रैम कहते हैं वो एक्चुअली में डायनेमिक रैम होता है, और जो कैश मेमोरी होता है वो स्टैटिक रैम होता है। और स्टैटिक रैम में बहुत ज़्यादा रजिस्टर होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा वो पावर कंजम्पशन करता है, बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, जिसके कारण वो हीट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये स्टैटिक रैम है, स्टैटिक रैम का एक और नाम है कैश मेमोरी, एंड जो नॉर्मल हम रैम कहते हैं वो एक्चुअली डायनेमिक रैम होता है। अब हम रीड ओनली की मेमोरी की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक रीड ओनली मेमोरी है जिसका फुल शॉर्ट में हम रोम भी कहते हैं। और ये जो मेमोरी है ये परमानेंट टाइप का मेमोरी होता है, दैट मीन्स कि इसमें जो भी डेटा लिख दिया गया है वो चेंजेबल नहीं होता, ये फिक्स हो चुका है। और इसे लिखता कौन है, तो जो भी इसका डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो इसमें डेटा को लिख सकते हैं। ये जो नॉर्मल यूज़र होते हैं, जैसे हम आप यूज़र हैं, तो हम इसमें डेटा को चेंजेस नहीं कर सकते। ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही इसमें डेटा लिखा जाता है, जब ये रोम तैयार हो रहा होता है, बन रहा होता है कंपनी में, ये उसी टाइम इसमें डेटा को लिखा जाता है। जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसमें लिखते हैं। और इसमें क्या लिखा जाता है, तो फंक्शन लिखा जाता है, एल्गोरिदम लिखा जाता है, प्रोग्राम लिखा जाता है कि हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो लॉजिक है कैसे इसको सॉल्व करना है, इस टाइप के सारे प्रोग्रामिंग मेथड इस रोम के अंदर स्टोर होता है। इसके भी टाइप्स हैं, जैसे पी रोम्स हो गया, ईपी रोम्स हो गया, ये रोम के कुछ टाइप हैं। अब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, तो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है, जब तक कि हम डिलीट ना करें तब तक उसमें का डेटा डिलीट नहीं होता, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल नेचर का भी कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल मीन्स बिना मिटनशील होने वाला, ये ऑटोमेटिक मिटने वाला नहीं होता। ये मेन मेमोरी के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा ही लार्ज कैपेसिटी होती है। जैसे कि हार्ड डिस्क की बात करें, तो आजकल हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, TV में भी आ रहे हैं, लेकिन अगर मेन मेमोरी की बात करें तो वो 4GB 8GB इस टाइप से आ रहे हैं, जो कि सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ही कम है। सेकेंडरी मेमोरी को हम मैग्नेटिक मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर, फ्लॉपी डिस्क के अंदर, इन सब पे जो स्टोरेज
का जो कंसेप्ट होता है कि डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, तो उसमें मैग्नेटिक लेयर का यूज किया जाता है, इसलिए हम इसे मैग्नेटिक मेमोरी भी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो रैंडम लोकेशन पे स्टोर होता है, दैट मीन्स कि वो सिक्वेंशियल नहीं स्टोर होता, वो अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे ये डेटा को स्टोर करता है। और भी मैं एग्जांपल दूँ सेकेंडरी मेमोरी की, जैसे पेन ड्राइव हुआ, सीडी रोम हुआ, डीवीडी हुआ एक्सेट्रा, इस तरह के जो भी आप डिवाइस जानते हैं जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर होकर रहता है, जब तक कि कोई यूज़र खुद से डिलीट ना करे, तब उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क में बहुत ही, आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क में कैसेट लगा हुआ है, ये प्लेट होता है जिस पर डेटा लिखा जाता है, और इस प्लेट के ऊपर फेरिक ऑक्साइड, जो मैग्नेटिक लेयर की मैं बात कर रहा था, उसकी लेयर लगी होती है, और ये रैंडम लोकेशन पे स्टोर होता है ताकि ये घूमता रहे, और ये कैसेट जैसे जैसे घूमेगा डेटा वैसे वैसे रिट्रीव होता है। ये है सीडी कैसेट, इसे हम कम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं, सीडी का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क, इसमें भी डेटा स्टोर होता है, बट इसका जो कंसेप्ट है ये लाइट वेस्ट है, इसमें डेटा लाइट के कंसेप्ट में स्टोर होता है। ये एक इमेज है जिसे हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, ये फ्लॉपी डिस्क बहुत पहले यूज़ हुआ करता था बट अब नहीं यूज़ हो रहा। ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आप जानते होंगे, पेन ड्राइव आप यूज़ भी कर रहे होंगे, ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। जो मोबाइल फ़ोन में एसडी कार्ड लगता है वो भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है, अब हम हार्डवेयर पार्ट को समझते हैं। हार्डवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का वो सभी फिजिकल पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर का एक और बहुत अच्छा डेफिनेशन है, हार्डवेयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन सी एंड टच। कंप्यूटर सिस्टम का वह इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक मदरबोर्ड है जो सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। अगर मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन के अंदर एक छोटा सा इसी टाइप का किट लगा हुआ होता है जो उस मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड होता है। क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन के अंदर या सीपीयू के अंदर होता है मदरबोर्ड, तो इसे हम बाहर से तो नहीं छू सकते, लेकिन जब पार्ट ओपन होगा तब भी इसे छू सकते हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है इसलिए हम इसे भी हार्डवेयर कहेंगे। ये SMPS है, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो पूरे कंप्यूटर में पावर का कंट्रोलिंग करता है, किसको कितना पावर देना है वो ये पावर हाउस है ये डिसाइड करता है, कंप्यूटर सिस्टम के हर पावर को ये खुद कंट्रोल करता है। कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, जितने भी कंपोनेंट आप देख रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो सब कुछ हार्डवेयर कहलाएगा, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। और ये तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है ही, तो कंप्यूटर सिस्टम का वह इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिजिकल कंपोनेंट हम कह सकते हैं, तो इसे हम हार्डवेयर कहेंगे। अब हम सॉफ्टवेयर को समझते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर का जस्ट ऑपोजिट है। सॉफ्टवेयर इज़ अ रिकॉर्डेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंट्रोल द एक्शन ऑफ ए मशीन। सॉफ्टवेयर बहुत सारे आदेशों का समूह होता है, बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, जो क्या तो हार्डवेयर को, मशीन को कंट्रोलिंग करता है। हार्डवेयर अगर हमारे पास है और सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा तो हार्डवेयर किसी का काम का नहीं है, वो बेकार हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि हमारे पास बॉडी है और बॉडी के अंदर जो सॉल है, जो प्राण है, वो है ही नहीं, तो बॉडी मृत है, वो डेड बॉडी है, वो कोई काम नहीं है उसका। अगर कोई प्राण अलग, आत्मा अलग है और बॉडी अलग है, तो दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते, आत्मा को भी काम करने के लिए बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह यहाँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू द इफेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है कि कैसे यूज़ किया जाए, इसकी क्या सर्टिफिकेट है, उसमें जो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब कुछ उस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है।
इट इज़ ऑल्सो अ कम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ हार्डवेयर. कम्प्लीमेंट्री पार्ट जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास हार्डवेयर है बट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता. अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर खाली. जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल दे दूँ, हमारे पास फ़ैन है बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली ही नहीं है कि हम उस फैन का यूज़ कर सके, तो यहाँ पे जो बिजली है वो सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है और जो फ़ैन है वो हार्डवेयर का काम कर रहा है. हार्डवेयर होते हुए भी हम फ़ैन का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दैट मीन्स कि सॉफ्टवेयर नहीं है. अगर इलेक्ट्रिसिटी है, फ़ैन ही नहीं है, तो हम फ़ैन का यूज़ हवा नहीं ले सकते, इसलिए इसे हम कम्प्लीमेंट्री पार्ट कहते हैं. सॉफ्टवेयर का बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, क्योर केवल फील कर सकते हैं. दैट मीन्स कि अगर कंप्यूटर चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें सॉफ्टवेयर है, ठीक है. अगर फैन चल रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है. हम इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अब हम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स को समझते हैं. तो यहाँ एक डायग्राम आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है तो मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसे के टाइप को बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी थ्री टाइप्स के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सिस्टम या फिर लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हम कह सकते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर के बेसिक पार्ट हैं. अब हम इसको भी कवर कर लेते हैं, इसे भी समझ लेते हैं. ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम से मतलब है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम, और जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करे उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसमें प्रोग्राम का कलेक्शन होगा ही होगा. और इसके डिज़ाइन किस लिए किया गया है, तो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किया गया है. इसका यूज़ है कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करना, उसको चलाना, उसको कंट्रोलिंग करना, एंड और भी अदर सॉफ्टवेयर को रन करना. जैसे कि एक हमारा, जैसे मोबाइल फ़ोन की मैं बात करूँ, तो मोबाइल फ़ोन एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, और उस एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम चल रहे होते हैं. जितने भी मैंने अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात बताई, वो सभी सॉफ्टवेयर उस एंड्रॉयड के अंदर चल रहे हैं. तो उसी तरह हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें जो ऑपरेटिंग एक सॉफ्टवेयर होता है, हम उसको भी समझेंगे. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम को रन करता है, एग्जीक्यूट कराता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो जो पेरिफेरल्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हुए हैं, उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है, ये डिसाइड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. मेंटेन हार्डवेयर रिसोर्सेज, यानी कि जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि प्रिंटर हुआ, मेमोरी हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, कोई पेन ड्राइव हुआ, प्रिंटर हुआ, तो इन सब को कैसे मेंटेन करना है, ये भी डिपेंड सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, वो कैसे हैंडल करना है, ये इसका वर्क है. अब हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करेगा, और इसका बहुत ही बेसिक फंक्शन ये है कि ये हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. इसको हम समझने के लिए एक डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं. आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो है यहाँ पे यूज़र है, और यूज़र जो इंटरेक्ट करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है, यानी कि यूज़र को जो भी काम है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कहेगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के पास भेज देगा उस काम को. तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब ये डिसाइड करेगा कि उस काम को किस हार्डवेयर से हमें करवाना है. जैसे कि हमें कुछ इनपुट लेना है, तो हार्डवेयर ये डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा कि हमें किस इनपुट डिवाइस को यूज़ करना है. अगर हमें कोई आउटपुट करना है, कोई प्रिंट आउट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा कि हमें प्रिंटर को क्या कमांड देना है. यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी यूज़र और हार्डवेयर कंप्यूटर, इसके बीच में जो है वो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर.
यानी कि ये इंटरफेस का काम कर रहा है, बीच का काम कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम की बात को यूज़र तक पहुंचाना और यूज़र की बातों को कंप्यूटर सिस्टम के पास पहुंचाने में ये मदद कर रहा है। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ सिग्नल फ्रॉम CPU टू वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये सिग्नल को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे होते हैं, अगर कोई एरर आ गया, कोई एडिशनल कोई मैसेज आ रहा है, तो ये उसको कंट्रोलिंग करता है। जैसे कि कोई आप पेन ड्राइव लगा दिए, कंप्यूटर चल रहा है, तो वहाँ एक पॉपअप विंडो आएगा कि इसमें कुछ ऐड हुआ है, या फिर कोई एंटीवायरस, कोई वायरस मिलता है तो एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर है वो एक मैसेज दे देता है कि यहाँ पर कोई वायरस हमें मिल रहा है, इसे आप रिमूव करो, डिलीट करो। तो ये बहुत सारे सिग्नल को भी कंट्रोलिंग करता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के टाइप्स को मैं बता दूँ तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हमने आपके सामने रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो कुछ इस तरह से है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, जिसका एग्जाम्पल है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। MS-DOS जो है ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें एक टाइम पे एक काम को किया जाता है, और ये एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है, यानी कि हम MS-DOS पे केवल लिख के ही काम कर सकते हैं, कोई माउस का यूज़ यहाँ पे हम नहीं कर सकते, यानी कि कोई ग्राफिकल है ही नहीं। सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग की बात करूँ तो यहाँ एक यूज़र एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम को कर सकता है, जैसे कि विंडोज़ में हम एक टाइम में एक से ज़्यादा काम को कर सकते हैं। मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, यानी कि एक से ज़्यादा यूज़र एक से ज़्यादा काम को एक टाइम पे कर सकता है, तो उसके लिए लिनक्स एंड यूनिक्स, यहाँ दो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग टाइप के सॉफ्टवेयर है। और भी है, जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये हमारे मौसम विभाग वालों के पास होती है, जो रियल टाइम अभी अभी क्या स्थिति है उसकी जानकारी निकालते हैं इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से, जो कुछ ही समय के लिए होता है। और नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि हम बहुत सारे अलग अलग लोकेशन पर अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और सभी को हम एक जगह से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जैसे कि डेटाबेस के यूज़ में होता है, इंटरनेट पे यूज़ होता है, कि बहुत दूर दूर देश में हमारा कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल है और हम सबसे एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और सबकी अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है अपने अपने फील्ड में। अब हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर को देखते हैं, जो कि है लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंपाइलर एंड दूसरा जो होता है वो होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को एक टाइम में पूरे लैंग्वेज को पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, बट एक टाइम में एक लाइन को ही ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर करता क्या है, तो एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है वो थ्री टाइप्स में डिवाइड है, क्लासिफाई किया हुआ है। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज, जैसे कि सी एंड सी प्लस प्लस, ये लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जावा, .NET, C#, पाइथन, फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें कोडिंग करना तो बहुत ही ईजी होता है। जो प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो बहुत ही ईजी तरीके से इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इन्हें इन जो थ्री टाइप्स के हमने बताया, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इन सब का एक ट्रांसलेटर होता है, जिसे हम लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कहते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब इन पे अलग अलग टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं। अब नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर की टाइप है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, जो क्या करता है, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑप्टिमाइज करता है, उसको एनालाइज करता है, उसमें कोई एरर है तो उसको फाइंड आउट करता है,
उसे कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई अनवांटेड फाइल दिखे तो वो खुद ब खुद उसे डिलीट कर सकता है। अगर हार्ड डिस्क के अरेंजमेंट सही से नहीं है, उसमें डेटा जो स्टोर किया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है, तो ये उसको भी प्रॉपर तरीके से अरेंज करता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। ये बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर होते हैं। इफ एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सिस्टम दैट वी कैन सॉल्व इट थ्रू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो खुद ब खुद भी उसे सॉल्व कर देता है, या फिर हम चाहते हैं तो हम खुद भी उसे इस सॉफ्टवेयर के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ये कभी कभी ऑटोमेटिक भी चल जाता है, जब उसे लगता है कि नहीं अब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वो उसे खुद ब खुद सॉल्व कर देता है, या फिर अभी हमें लग रहा है कि नहीं हमें एक बार इस सॉफ्टवेयर की यूज़ करनी चाहिए, जो कि हमें लग रहा है कि अब हमें अरेंज करने की ज़रूरत पड़ रहा है, या फिर कुछ अनवांटेड फाइल हमें मिल रहा है इसे डिलीट करना है, तो उस केस में हम इस सॉफ्टवेयर का खुद भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह से स्कैन करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर कहीं भी उसे कोई अनवांटेड फाइल या फिर कोई मालवेयर मिलता है, जैसे कि कोई वायरस मिल गया, तो वो उसे रिमूव कर देता है। डिस्क क्लीनअप की बात करें तो डिस्क क्लीनअप क्या करता है, हमारे हार्ड डिस्क को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर देता है। जैसे कि हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहते हैं, वो आधे पे ही बंद हो गया, वो फाइल बेकार हो गया, करप्टेड फाइल है, तो उन सभी फाइल को ये क्लीन कर देता है, डिलीट कर देता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जिसके मदद से हम अपने हार्ड डिस्क को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बेकार का स्टोरेज जगह हमारा खाली पड़ा हुआ होता है तो वो अच्छे से वो अरेंज हो जाता है और वो यूज़ में आ जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की सॉफ्टवेयर, जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिस पे एंड यूज़र यूज़ करते हैं, जैसे कि हम और आप जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। शॉर्ट में इसे ऐप भी बोला जाता है, जैसे मोबाइल की ऐप की बात की जा रही है, तो ऐप यूज़र खुद यूज़ करता है तो उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में हमें कुछ लिखने की ज़रूरत है तो उसके लिए हम वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नोटपैड, इस टाइप के किसी भी हम सॉफ्टवेयर की यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम कोई अपना लेटर नोट्स टाइप कर रहे हैं, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। स्प्रेडशीट की बात करें जिसमें हम एमएस एक्सेल की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, या फिर कोई हम कैलकुलेशन वाला काम कर रहे हैं, कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एंड यूज़र यूज़ कर रहा है। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर की बात करें जैसे कि एमएस पेंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, यानी कि जिसमें हम कोई इमेज ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम फोटो एडिट कर सकते हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। वेब डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब ड्रीमवेवर, तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे यूज़र अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है और यूज़ कर